पिछले ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छतरपुर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, चोर गिरोह ने बमीठा में एक सोने चांदी की दुकान से शटर तोड़कर 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुराकर वो फरार हो गए थे। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच की, जिस पर पुलिस ने टोल प्लाजा के पास से एक कार को जब्त किया। कार की तलाशी करने पर पुलिस को 4 कार की सीट के नीचे चोरी का सारा सामान बरामद हुआ। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और एसपी का कहना है कि चोर गिरोह और बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक दुकान से बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी चला गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 से 15 लाख की है। इसमें जिस वाहन का इस्तेमाल हुआ था या जिस पर हमें संदेह था, वो दिल्ली नंबर की थी और पूरे ज़िले में नाकाबंदी की गई। और जब वाहन को रोका गया, शुरुआती तलाश की गई तो उसमें से नहीं मिला। इन लोगों ने एक अलग से पैनल बनाए थे इस गाड़ी के अंदर, जिसमें सारा माल बाद में बरामद